say that the instrumental extension is conditional. If Article 370 goes, so does the relationship between India and Kashmir. The center has gone against the Constitution of India, the Constitution of Jammu and Kashmir, and also against the Supreme Court, where matters relating to Article 370 and 35A were sub judice on August 5th. I would also like to remind you that there are three or four judgments from the Supreme Court in the past whereby they declared that Article 370 cannot be revoked. And I also protest the number of times I've heard Kashmiris are traitors. We are not traitors. We have been betrayed since 53 by the center, first by the Congress and now the BJP. It's only the people from all the three divisions of Jammu and Kashmir who can decide their destiny, not India, not Pakistan. Revocation of Article 370 has to be reversed, and all people who have been arrested and detained, especially minor children, need to be... Kashmir or Jammu, dono gaye the. Shabnam Hashmi, Dr. Anirudh Kala, jo ek psychiatrist hai. विनय डिसूजा जो एक पब्लिक हेल्थ इंटेलेक्चुअल है और मैं जर्नलिस्ट हूँ. हमने मुख्य तौर पर एक चीज पाई है, कश्मीर इसलिए नहीं बंद है कि वो डरे हुए हैं. कश्मीरियों ने अपने दुकानें, अपनी बिजनेसेस बड़े भय के साथ सीआरपीएफ के बंदूक की नोक के साथ पंगा लेकर कह के कि हम नहीं डरेंगे, लेकिन हम अपनी दुकानें, हम अपनी बिजनेसेस बंद इसलिए रखेंगे क्योंकि जब भारत सरकार ने हमारे सर के ऊपर से निर्णय लिया है, हमें निर्णय करने से मना किया है, तो हम भी भारत सरकार को रिजेक्ट कर रहे हैं. उन्होंने हमारे साथ तलाक किया है, तो तलाक के बाद हम लोग हाथ नहीं मिलाते हैं ना एक दूसरे के साथ. तलाक के बाद कोई बातचीत नहीं होती है, तो हम भी बातचीत नहीं करेंगे. और ये हमारा एक सिविल डिसोबीडियंस है. ये जो 75 दिन गए हैं वो कश्मीरियों की एक रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरह लेनी जानी चाहिए. ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है. ये किसी लीडर ने नहीं बुलाया है, किसी मिलिटेंट, किसी आतंकवाद ने कोई कॉल नहीं किया है. ये लोगों ने अपने आप से निर्णय लिया है. हर एक घर, हर एक महिला, हर एक टीचर, हर एक डॉक्टर, हर एक बिजनेसमैन, हर एक ट्रेडर, हर एक किसान, कश्मीर ने ये सब मिलकर आपस में, ये पहली बार ऐतिहासिक इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे 2010 में, 2016 में भी टॉर्चर हुए हैं, 2010 में भी पहले गन इंजरीज हुए हैं, तो ये सरकार चाहती है कि हम सिर्फ टॉर्चर पर फोकस करके इसका पूरा जो बड़ा नजरिया है वो खो दें. और हम सोचे कि ये उसी के साथ एक कंटिन्यूटी में चल रही है, वो एक बड़ा और बड़ी कमजोरी होगी हमारी हम अगर ये चीज नहीं देख पाए कि ये पहले जैसा नहीं है. अगर हम टॉर्चर की इंस्टेंसेस पर फोकस रखेंगे तो हम उस चीज को नजरअंदाज करेंगे जो बड़ी पिक्चर, बड़ा नजरिया दिखा रही है हमको जोर जोर से चिल्लाकर कि ये कश्मीरियों की साइलेंस बहुत कुछ कह रही है. लोग कह रहे हैं कि हम सदमे में हैं, हम ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हम बलात्कार के शिकार हैं, पूरी कश्मीर बलात्कार की शिकार है. एक व्यक्ति, एक पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार ने हमसे बताया कि आप बलात्कार विक्टिम से ये तो नहीं जाके पूछते हैं ना कि आप अपना बलात्कार डिस्क्राइब करिए और कहिए कि कैसे लग रहा है आपको, तो आप हमसे भी ये मत पूछिए कि कैसे लग रहा है. बलात्कार के बाद आप बैंडेज लगाकर ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन वापस आ गई है, मोबाइल फोन अगर वापस आ गए तो आप ठीक हो जाएंगे. ठीक हो सकते हैं क्या? मेन चीज कम्युनिकेशन नहीं है. मेन प्रॉब्लम अगर कम्युनिकेशन वापस भी डाल दें, इंटरनेट वापस भी डाल दें, तो कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ट्रॉमा, जो सदमा पहुंचाया गया है, उनकी ट्रस्ट छीन के, इस गणतंत्र, इस डेमोक्रेसी में उनका विश्वास तोड़ के, वो कम्युनिकेशन रिस्टोर करने के तहत इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता. तो हम गुमराह हो रहे हैं अगर हम सिर्फ कम्युनिकेशन पर फोकस रखेंगे, अगर हम सिर्फ टॉर्चर पर और पहले गन इंजरीज पर फोकस रखेंगे. और आर्मी के द्वारा जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो बहुत समय से हो रहा है, वो इस सरकार को दूसरे सरकारों के साथ जोड़ रहे हैं, बल्कि जो ये सरकार ने किया है वो दूसरे सरकारों से कहीं और भयानक है. वो एक भूकंप है, वो एक, ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे साथ बलात्कार हुआ है, तो ये पहले नहीं हुआ है, तो इसका रिस्पांस भी नया है. और वो नया रिस्पांस है कश्मीर का सिविल डिसोबीडियंस.
इस पर हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिखी है और जम्मू भी गए, जम्मू के लोग भी इससे नाखुश हैं। ये एक बिल्कुल एक मिथ्या बनाई जा रही है कि जम्मू के लोग खुश है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि अगर जम्मू के ट्रेडर, जम्मू के बिजनेसमैन, हमें बताया गया है कि ये बिजनेस के लिए अच्छा है। जम्मू के बिजनेसमैन कह रहे हैं कि अगर कश्मीरियों की एक आंख निकाली गई है तो हमारी दोनों आंखें निकाली गई है सरकार द्वारा, और वो इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उन्हें पाबंदी लगाई गई है। कश्मीर जम्मू ट्रेड एंड कॉमर्स की जो प्रेसिडेंट है उनको मना किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, पॉलिटिशियंस जो बाहर है, जो जेल में नहीं है, उनको मना किया गया है बोलने से। तो अगर ये आजाद देश है तो जम्मू के लोग अगर ना खुश है तो उसको व्यक्त क्यों नहीं कर सकते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।